ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आपको मौर्या लैब के आज से 25 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। हमने इस मौर्या लैब को 1998 फरवरी में स्टार्ट किया। मेरे पहले यहाँ पे किलोमीटर पे कुछ ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, क्रिएटिन हुआ करता था। जब मैं आया तो फुल्ली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, सेल काउंटर, हिस्टोपैथोलॉजी, FNAC, से स्टार्ट किया। 1998 वह वर्ष था जब सिलिकॉन वैली में दो युवाओं ने आधुनिक समय के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक गूगल सर्च इंजन बनाया। यही वह वर्ष था जब एक भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। मौर्या लैब्स की स्थापना उसी वर्ष की गई थी। यह वह काल था जब भारतीय अपेक्षाकृत स्वस्थ थे। लोग नियमित व्यायाम करते थे और साइकिल से आना जाना पसंद करते थे। कारों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि आने लगी, वैसे वैसे भारतीयों का स्वास्थ्य गिरने लगा। भारतीयों के मोटा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जंक फूड और फ्राइड फूड है, यानी तला हुआ खाना है। भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत तेजी से मोटापे का शिकार हो रही थीं। अधिकांश बीमारियों के निदान में सबसे कॉमन जो टेस्ट होता था, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन, ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट आदि की पता लगाया जाता था। वर्ष 2004 में मौर्या लैब्स ने पहली बार फुली कंप्यूटराइज्ड, फुली ऑटोमेटिक हीमो एनालाइजर स्थापित कर इस क्षेत्र की पहली प्रयोगशाला बन गई। Our website. They're saying we stole the Facebook. I know what it said. So did we? $1 million isn't cool. You know what's cool? $1 billion. 2004 वह वर्ष भी था जब मार्क ज़करबर्ग ने अमेरिका में फेसबुक लॉन्च किया, जो जंगल में आग की तरह फैल गया और सोशल मीडिया का जन्म हुआ। यही वह साल था जब दुनिया पर सुनामी का कहर बरपा और कुछ ही सेकंडों में 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसी वक्त भारतीय बाजारों में विदेशी रेस्टोरेंट खुलने शुरू हो गए थे। मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, पिज्ज़ा, KFC जैसे भारतीय शहरों में अपने आउटलेट खोलते जा रहे थे। मानो हमारे समोसे, पकोड़े, मिठाई, परांठे आदि हमारे को बीमार करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, अब भारतीय आबादी के लिए बर्गर, पिज्ज़ा, फ्राइड चिकन और कोला भी हमारी डाइट में शामिल हो चुके थे। वर्ष 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने अमेरिका में आईफोन लॉन्च किया, तो मौर्या लैब्स ने फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर एस्टैब्लिश किया। दिस इज अ डे आई बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर 2.5 years। एन आईपॉड, अ फोन, are you getting it? These are not 3 separate devices. This is 1 device. And we are calling it iPhone. मौर्या लैब्स ने पैथोलॉजी परीक्षण में गुणवत्ता को स्थापित करने के लिए पहल की और वर्ष 2012 में प्रतिष्ठित NABL मान्यता प्राप्त करने वाली सीमांचल क्षेत्र की पहली लैब बन गई। यह वह वर्ष भी था जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से 26 साल तक अपना जलवा दिखाने के बाद एक शानदार करियर को अलविदा कहा। We have deployed cutting-edge technology and never compromised on quality of testing. NABL से मान्यता मिलने के लिए आपको लैब में अत्याधुनिक तकनीक से लैस मशीनें लगानी होती हैं।
2017 वह वर्ष था जब भारत में पहली बार अंडर 17 फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया और मौर्या लैब्स ने सीमांचल क्षेत्र में पहली बार एलर्जी टेस्टिंग की शुरुआत की। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवा, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। वर्ष 2020 और 2021 में कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ आंकड़ों को माने तो अकेले भारत में 40 से 50 लाख लोगों ने इस बीमारी में अपनी जान गंवाई। अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं थे, अगर बेड मिल गया तो ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को दवा नहीं मिली तो किसी को ब्लड टेस्ट नहीं मिले। इस आपदा में भी मौर्या लैब्स के स्टाफ और डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घर घर जाकर लोगों को ब्लड टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई। कोविड की जांच के लिए अमेरिका से आयातित ऑटोमेटिक एनालाइजर मौर्या लैब्स में होने की वजह से किसी भी मरीज को किसी भी ब्लड टेस्ट के लिए भटकना नहीं पड़ा। आज हमारे देश की यह स्थिति हो गई है कि एक तरफ तो हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में डायबिटीज और मोटापे से होने वाली अन्य बीमारियों की बाढ़ आ रही है। हमारी सब्जी मंडियां तो सुनसान हैं, पर डिपार्टमेंटल स्टोर में फ्रोजन फूड्स की बिक्री नए कीर्तिमान छू रही है। We are not just the patlas ke liberty, but our mission is to see healthy humanity. This goal can be achieved by educating people about the importance of good health, early testing, and promotion of healthy lifestyle habits. It is the duty of the entire medical fraternity to motivate the people to stay healthy and avoid lifestyle disease. Aaj 25 saal poore hone ke upalakshya mein Maurya Lab एक अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया है। डिजीज दो तरह के होते हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल। मौर्या लैब्स ने पिछले 25 वर्षों में लाखों लोगों की खून की जांच की है, पर देश की बिगड़ती हालत को देखते हुए अब इसे सुधारने का बीड़ा उठाया है। एमफिट कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जाती है। जिन लोगों में बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं उनके शरीर की संपूर्ण जांच बहुत ही रियायती दरों पर डिजायर नाम के पैकेज के तहत की जाती है। अगर अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। हम अपना जीवन तो बर्बाद करेंगे ही, पर आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बीमार जीन्स देकर जाएंगे। मौर्या लैब्स ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर यह बीड़ा उठाया है कि जब हम अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएं तो देश अमृत काल मना रहा हो, ना कि मृत काल।